स्टार्ट। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम शरावती है। आज आपको ये सभी देख रहे हैं, ये सभी हीलिंग स्टोन्स है, सेमी प्रेशियस स्टोन्स है। इसका बारे में आपको मैं जानकारी थोड़ा थोड़ा दूंगी। ये पहले हमारा निगेटिव एनर्जी के लिए, ये अगेट, ये लक्ष्मी एनर्जी भी होता है, फिर प्रोटेक्शन भी होता है। ये म्यूमाइट, ये ब्लैक टर्मोलिन, ये सभी हमारा दरवाजे पे आप बांध के रखना वाइट इसमें क्लॉथ में, तभी हमारा जो भी नेगेटिविटीज़ है अंदर नहीं आ सकता। ब्लैक मैजिक एनर्जी हो, बाद में भूत प्रेत एनर्जी हो, जो भी हमारा पास नहीं आता है, नहीं तो हमारा घर का पास भी नहीं आ सकता। ये प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं, फिर बाद में हेल्थ के लिए भी यूज़ होते हैं। ये लक्ष्मी एनर्जी भी होते हैं। हमारा जो भी बॉडी में पेन है, ये आप हमेशा रख दीजिए। बॉडी में किधर भी पेन हो, वो ये सभी निकल जाता है। इसके साथ ये अमेथिस्ट रखिए, पेन किलर है ये। ये दोनों पेन किलर हमेशा इनके साथ आप रखना। जो भी किधर भी बॉडी में पेन हो, वो सभी निकल जाता है। ये वन डे में नहीं होएगा, डेली करने तो फ़ायदा मिलेगा। ये सेमी प्रेशियस स्टोन से ओरिजिनल आपके पास रहा समझिए, तभी काम करेगा। आपको डुप्लीकेट है आपके पास, वो काम नहीं करेगा। ये प्रोटेक्शन के लिए होता है। फिर ये भी प्रोटेक्शन भी होता है, हीलिंग भी होता है, साइकिक भी। फिर बाद में आपको बातें करने का, डिवाइन में बातें करने का, सुनने का, ये सभी आपको ज़रूरत है। आप समझो आपको चाहिए ऐसा होने, तो ये स्टोन से मिस्ट्री मेलनिस्ट, नहीं तो इंडिगो गैब्रो बोलते हैं इसको। इसमें तीन कलर है, इंडिगो है, पर्पल है, ब्लैक है। हमारा जो भी नेगेटिविटीज है वो इसमें पाँव का नीचे चला जाता है, फिर हमको हीलिंग भी कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल है ये स्टोन्स। अभी हमको क्या करने का, अभी मनी के लिए एवेंचुरिन, ये येलो एवेंचुरिन है, ये विष्णु का संबंधित है। ये आप डेली विष्णु का प्रार्थना करो, नहीं तो इसमें पूजा रूम में भी येलो एवेंचुरिन रख के पूजा करने तो भी मनी का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ये ग्रीन एवेंचुरिन सक्सेस के लिए, बाद में बिजनेस के लिए। ये रेड एवेंचुरिन हेल्थ के लिए भी होता है, ये एक्चुअली मनी के लिए भी होता है। ये फिरोज़ा, इंडियन फिरोज़ा बोलते हैं, ये इंडियन फिरोज़ा है। इसमें अलग अलग कलर्स भी हो सकता है, ये भी फिरोज़ा है। ये टाइगर आई वेरी पावरफुल स्ट्रांग रहते हैं। हम सोचते हैं हम अकेले हैं, नहीं, ये आपके पास रहा समझो एक छोटा स्टोन भी। आप समझते हैं मेरा पास बहुत लोग है, मतलब इतना स्ट्रेंथ हमारा मन चित्त बुद्धि में स्ट्रेंथ रहेगा, मतलब डर वगैरह निकल जाता है इससे। ये हमेशा रखने तो ये टाइगर है, ये मनी के लिए भी होता है, प्रोटेक्शन के लिए भी होता है। ये व्हीकल्स में कौन जाते हैं, फिर टू व्हीलर हो, नहीं तो फोर व्हीलर हो, फिर मैं उसके बाद में ये रखने तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। आपको किधर भी एक्सीडेंट्स नहीं होएगा, फिर आराम से आप जा सकते हैं, फिर घर में आप आराम से पहुँच सकते हैं। ये ऐसा काम करते हैं। सपोज आपको किधर भी एक्सीडेंट होने का संभावित है, समझो ये स्टोन्स क्या होता है, सैक्रिफाइस होता है। यही सपोज टूट हो जाता है, नहीं तो गुम हो जाता है, तभी आप समझिए हमारा बारे में जो आया था वो सभी निकल गया। आप समझ के आप खुश हो जाइए, फिर दूसरा ले लेने का आप। ये एक्चुअली हमारा हार्मोन्स इम्बैलेंस हुआ समझो, ये सभी रखने तो हमारा एलिमेंट्स में बहुत ही काम आता है। अर्थ, एयर, फायर, वाटर, ए अमेजोनाइट में ये बहुत ही काम आता है। हमारा बॉडी में एलिमेंट्स अर्थ, एयर, फायर, वाटर बैलेंस के लिए ये होता है। ये सुलेमानी हकीक है, ये सुलेमानी हकीक में मनी के लिए, फिर बाद में ग्रह दोष रहता है ना, शनि राहु केतु में संबंधित है ये सब, सभी दोष है समझो। ये सभी आपके पास रखिए, नहीं तो पिलो का नीचे रख दीजिए, नहीं तो आपका फोटो को ऊपर रख दीजिए, तभी भी ये काम करता है। ये सुलेमानी हकीक है,
ये मनी का भी होता है, प्रोटेक्शन का भी होता है, आपको जो भी प्रॉब्लम है ये सभी निकालने के लिए ये स्टोन यूज़ कर सकते हैं। ये सभी ओरिजिनल होना चाहिए आपके पास। ये ब्लड स्टोन है, हमारा बॉडी में टॉक्सिन्स डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। ये पानी में डालिए रात को, फिर इनको बोलिए एनर्जाइज करो, फिर सुबह उठ के इसका पानी पी लीजिए। हमारा जो बॉडी में बंधित रहता है, फिर इसमें एक्चुअली ब्लड्स में, वेजल्स में एक्चुअली सराग में, फिर बाद में ब्लड सर्कुलेशन नहीं रहता, तभी अच्छी तरह से इसका पानी पिया समझो। अच्छी तरह से पानी पीने तो फिर सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। हमारा बॉडी हेल्थ के लिए भी ये यूज़ होता है। ये पिचर जास्पर है, पिचर जास्पर हमारा बॉडी में जो भी नेगेटिविटीज़ है वो चबी जाने के लिए, फिर बाद में प्रोटेक्शन के लिए भी ये यूज़ होता है। ये हमारा अल्फा स्टेट में नेगेटिव रहा समझो, तभी भी निकाल सकता है ये स्मोकी क्वार्ट्ज से। ये है, ये बुद्धि के लिए, हमारा मन चित्त बुद्धि शांत रहने के लिए यूज़ होता है। हवा लाइट, हवा लाइट करके ये यूज़ होता है। ये एजुकेशन भी यूज़ होता है, फिर हमारा मन चित्त बुद्धि शांत के लिए भी ये हो सकता है। हमारा हार्मोन्स इम्बैलेंस हुआ समझो, हमारा बहुत फैट रहा समझो, तभी ये स्टोन यूज़ कर दीजिए। हेपाटाइट, इसमें जो दो आता है, ग्रीन हेपाटाइट एंड ब्लू हेपाटाइट, ये ब्लू हेपाटाइट है। हमेशा खाने का मन रहता है उन लोगों को ये स्टोन आपके पास रहा समझो, वो सभी एक्चुअली बंद हो जाता है। फिर हमको जो चाहिए बॉडी को, नेसेसिटी है वो खाने के लिए मन होता है हमारा बॉडी को। ये बहुत ही हेल्प भी कर सकते हैं, फिर स्लिम एंड स्मार्ट होने के लिए ये मदद कर सकते हैं ये स्टोन। ये येलो जैस्पर, ये रेड जैस्पर, ये बहुत काम स्टोन है। ये पूरा हमारा बॉडी पूरा हेल्थ के लिए बहुत ही यूज़ होता है, फिर बाद में कंप्लीट बॉडी के लिए ये यूज़ होता है। ये हमारा काम रहता है, फिर बाद में बहुत ही अच्छा से यूज़ हो सकता है। ये हेमाटाइट, हमारा बॉडी में आयरन कम हुआ समझो, ये आपके पास रहा फिर हेमाटाइट, ये यूज़ होता है। फिर किसी किसी में किसी किसी का लोगों को ना पिछले जन्म का लीड करते रहता है, फिर प्रॉब्लम होते रहते हैं उन लोगों को ये एक्चुअली पिल्लो का नीचे रख के सो जाइए, पिछले जन्म का जो भी प्रॉब्लम है वो सभी निकाल सकता है। फिर बाद में कोई कोई कोर्ट केस ये सभी रहा समझो, ये स्टोन आपके पास रखने तो कोर्ट केस में ये बहुत मदद कर सकते हैं, इजी इजी सॉल्व होने के लिए मदद कर सकता है। ये हेमाटाइट है। ये क्रोकोडाइल जास्पर, क्रोकोडाइल जास्पर हार्ट का जो भी प्रॉब्लम है सभी निकाल सकता है, फिर सर्कुलेशंस के लिए बहुत ही मदद कर सकते हैं। ये कंप्लीट हेल्थ के लिए ये यूज़ हो जाता है। ये मून स्टोन है, मून स्टोन में तीन कलर्स आता है। ये एक्चुअली इसका पीच कलर का ये मून स्टोन है। मन गड़बड़ी रहा, फिर एंजाइटी रहा, ये सभी रहा समझो, उन्होंने एक्चुअली मून स्टोन रखने तो फिर हार्मोन्स के लिए, फिर बच्चे होने के लिए ये बहुत मदद करते हैं। मूनस्टोन हार्मोन्स इम्बैलेंस के लिए भी मूनस्टोन यूज़ होता है। फिर प्रेग्नेंट होने के बाद भी ये रख दिया होगा समझा समझो, बहुत ही मदद करते हैं। फिर बच्चे अच्छी तरह से बड़े होने के लिए, हेल्दी होने के लिए अच्छे एक्चुअली मदद कर सकते हैं। ये भी ग्रीन एवेंचुरिन है, ये डार्क है थोड़ी सी, ये लाइट है। ये सभी मनी के लिए होता है। ये नर्वस सिस्टम्स, हमारा बॉडी में जो नर्वस सिस्टम्स है, ये वुड, ये इसको पेट्रीफाइड वुड बोलते हैं। ये कैसे होता है पता है? ये एक ही जगह में मिलता है, फिर बड़े बड़े एक्चुअली ट्री रहता है, उसका जो आयु हो गया, फिर बाद में वो ऐसे ही अपना आप गिर जाता है, फिर बहुत साल होने के बाद ऐसा स्टोन बन जाता है। ये देखिए, ये स्टोन बन जाता है, इसको पेट्रीफाइड वुड बोलते हैं। ये आपके पास रहा समझो, होल बॉडी नर्वस सिस्टम्स के लिए मदद करता है। फिर ट्री कितना भी कट करो फिर से आ जाता है। हमारा लाइफ भी अच्छी तरह से बढ़ने के लिए भी ये इसको
यूज़ कर सकते हैं, फिर हैप्पी हार्मोन के लिए भी ये स्टोन यूज़ कर सकते हैं। आपको और जानकारी चाहिए तो फिर हम देते हैं आपका एनर्जी, आप किधर भी ले लीजिए, दूसरा जगह पर लिया समझो, ये स्टोन्स वगैरह आपको अच्छी तरह से ओरिजिनली मिलना चाहिए, आपका एनर्जी का मिला समझो, तभी यू बहुत ही फास्ट काम कर सकता है। आप किधर भी अमेजान में वो सभी लेके हमने लिया, आपने लिया समझो, तभी तभी क्या होता है, ये हमारा बॉडी को, ये एनर्जी वाइज हमारा बॉडी में भी एनर्जी है, फिर विटामिन्स मिनरल्स है, ये स्टोन्स में भी विटामिन्स मिनरल्स है, हमारा बॉडी में ये एडजस्ट होने के लिए 2 से 6 मंथ्स लेता है। कोई कोई क्या करता है, फिर बाद में 1 महीने 2 महीने रखते हैं किधर भी लेके, फिर उनको यूज़ ही नहीं हुआ समझो करके फिर फेंक देते हैं, ऐसा मत कीजिए, अच्छी तरह से यूज़ कर दीजिए तभी फ़ायदा मिलेगा। हम लोग इधर से मिलेगा आपको, फिर बाद में हम तो एक्चुअली कुरियर में भी बेच सकते हैं ये सभी। फिर बाद में आपका एनर्जी किसको चाहिए उसका एनर्जी में ये स्टोन्स मिलेगा आपको। और जानकारी चाहिए तो हमारा फ़ोन नंबर ले लीजिए 8971135255, और एक बार 8971135255। थैंक यू वेरी मच।